कर्पूरी मॉडल की बात करें जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उस तरह के आरक्षण का विरोध तो लोकसभा में आरजेडी ने किया था। डॉक्टर संजय, क्या इसको कोई भूल सकता है क्या? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, दरअसल ये बात तो कर्नाटक से उठी है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि आपने रातों रात सारे लोगों को ओबीसी बना दिया, तो आखिरकार ओबीसी का आरक्षण छीन कौन रहा है? वो कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दलितों के आरक्षण छीनने की बात जो तेजस्वी कर रहे हैं और जो आरोप चिराग पासवान लगा रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? क्या चिराग पासवान ने इस तरह की बात की है? और अगर चिराग पासवान ने इस तरह की बात की है, तो आज कानूनी कार्रवाई करने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने, बल्कि संविधान में कहीं धार्मिक आरक्षण की बात है क्या? धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण की बात है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है। और जहां तक पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है, तो पिछड़े मुसलमानों को तो आरक्षण मिल रहा है, कहां उनको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है? और प्रधानमंत्री ने जो कहा वो एक रेफरेंस के सिरे में कहा। एक उदाहरण मैं बताता हूं, कर्नाटक में 930 बच्चों का पीजी मेडिकल में एडमिशन हुआ, वहां मुसलमानों के लिए, पिछड़े मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण है, और 150 मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हो गया पीजी मेडिकल में, अब वो हो जाता है 16%। तो हंस राज अहीर, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं, बतौर वहां जांच चल रही है 6 महीना से, कि अगर वो आरक्षण के हकदार 4% है, 16% आरक्षण उनको कैसे शैक्षणिक संस्था में मिल गई? इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को तलब किया, कर्नाटक सरकार से पूछा है। 34 मुस्लिम जातियां वहां है कर्नाटक में, जिनको पिछड़ी जाति का लाभ मिलता है और 4% उनको आरक्षण मिलता है। ये उन्होंने, ये एक केस मैं बता रहा हूं, ऐसे कई केस मिले हैं जिसमें मनमानी तरीके से उनको इसका लाभ दिया गया। और वहीं पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंस राज अहीर ने वहां के सरकार से इस बात को पूछी है, वहां के मुख्य सचिव को तलब किया है कि भाई आप कौन सा आधार बना रहे हैं? जो आरक्षण है ओबीसी के लिए और उसमें 4% के जब ये हकदार हैं, तो ये फिर 16% का लाभ आप इनको कैसे दे रहे हैं? तो वहां पर जाकर के एक सवाल है। दूसरी बात, जो अगड़ी जातियों के आरक्षण के विरोध की बात है, ये तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर हुआ था, जो आरजेडी ने विरोध किया था, ये तो आर्काइव में कोई निकाल करके देख ले। और मैंने तो नहीं सुना है किसी सभा में चिराग पासवान को ये बोलते हुए कि जो संपन्न दलित हैं, उन दलितों को अब आरक्षण से वंचित कर दिया जाए, मैंने नहीं सुना है। अब और लोग सुने होंगे तो मुझे नहीं पता है। तो चूंकि एक बार वो मोहन भागवत की वो बात अपील कर गई थी आरजेडी को, और मनोज झा ने उसी को, जी हाँ, जो उन्होंने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए, तो लग रहा है कि ये आरक्षण ही विषय बढ़िया है, मुद्दों पर बात हम लोग ना करें, बाकी चीजों पर हम बात ना करें, आरक्षण आरक्षण खेले और इसमें जिसको लाभ मिल जाए। लेकिन इधर जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का बयान नहीं है, वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का, जो कर्नाटक में गड़बड़ियां हुई है उसको आधार बना करके बोल रहे हैं कि अगर इसी तरह से तुष्टिकरण किया जाता रहा, एपीजमेंट किया जाता रहा, तो ओबीसी को जो आरक्षण का लाभ मिलता है, उनकी हकमारी हो जाएगी।